हेलो दोस्तों, आज से मैं आया हूँ एक नया कंसेप्ट लेके, जिसमें मैं मेरे पढ़े हुए कुछ हट के आर्टिकल्स के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ और आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। आज का मेरा आर्टिकल है जो कि मैंने इंटरनेट पे सर्व करते वक्त मेरी नज़र में आया था, और उसके पीछे जो थॉट था और इंटेंशन था, मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। वैसे तो ये आर्टिकल इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। अगर आपको ओरिजिनल आर्टिकल देखना है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप पढ़ लेना। तो यह आर्टिकल छपा था डेली मेल, जो कि एक यूके बेस्ड न्यूज़पेपर है। इसमें एक सबसे एक्सपेंसिव ऑस्ट्रेलियन प्रोस्टिट्यूट के बारे में, उसकी पुरुषों के प्रति क्या राय थी और उसके पास पुरुष किस लिए आते थे, उसके बारे में उसने बताया है। उसकी मर्दों के प्रति क्या सद्भावना है या क्या वो सोचती है, ये सुनकर आप मर्दों के प्रति जो भी आप स्टेरियोटाइप अपने दिमाग में बना के रखा है, उसको वो तोड़ देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पुरुष अगर इमोशनल हो जाए तो लोग उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं लड़कियों की तरह रोता है। सैकड़ों सालों से हम पुरुषों को ये पाठ पढ़ाया जाता है कि पुरुष तब भी युद्ध करते थे और आज भी युद्ध कर रहे हैं। तब भी उनका काम औरतों की रक्षा करना था और आज भी है। कहते हैं कि पुरुषों में एनिमल इंस्टिंक्ट होता है जो उन्हें सेक्स के लिए उत्तेजित करता है। जो असली मर्द होता है उसकी सेक्स की क्षमता बहुत होती है, उसके अंदर संवेदनाएं कम होती है, ताकत अधिक होती है। और इन सब के बीच में हम भूल जाते हैं कि पुरुष भी किसी औरत जितना ही संवेदनशील होता है, और तकलीफें आने पर वो टूट भी सकता है। फीलिंग्स और उन्हें बयां करने की इच्छा इतनी ही ज़्यादा होती है कि वे इसके लिए पैसे भी खर्च करने को तैयार होते हैं। लाना जेड, ये एक सेक्स वर्कर है, सिडनी की रहने वाली। इनकी एक रात की सर्विसेज का दाम लगभग 2.5 लाख रुपए है। इन्होंने मेल ऑनलाइन को बताया कि ऐसे के पुरुष हैं जो इतने सारे पैसे देकर महज उनसे चिपक कर सोने के लिए आते हैं। इन्हें सेक्स की उतनी चाहत नहीं होती जितनी बात करने में और मन के दुख को और डर को शेयर करने में होती है। अधिकतर मर्द कनेक्शन ढूंढते हैं, सेक्स उनकी प्राथमिकता नहीं होती। कई पुरुष बस प्यार भरी छुअन चाहते हैं कि उन्हें कोई हल्के से चूम ले। वो बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनकी तारीफ करे। लाना बताती है कि लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि एक वेश्या का पूरा समय सेक्स में जाता है या उसे केवल सेक्स के लिए बुक किया जाता है। लोग उसके पास दोस्त तलाशते हुए भी आते हैं। कुछ मर्द अपनी रियलिटी से निकलने के लिए उसके पास आते हैं, उससे बात करके अपने दुख का बोझ हल्का करने आते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आते हैं। और कुछ मर्द अपनी अल्टरनेट रियलिटी को छोड़ने के लिए और उससे दूर भागने के लिए उनके पास आते हैं। रोज़मर्रा की दिनचर्या की भागदौड़ को भुलाने के लिए उसके पास आते हैं। एक सुंदर महिला के आगोश में अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए आते हैं। और कुछ टाइम तो वो थेरेपी सेशन की तरह हो जाता है, जिसमें वो मर्द मुझसे लिपटकर बातें करने में रुचि रखता है, बिना किसी बायस ओपिनियन के बस उसकी बातें सुने। कुछ मर्द उसकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में एक सामान्यता ढूंढते हैं, उसकी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी से बांटना चाहते हैं। लाना की कही हुई बातें न कि सिर्फ वेश्याओं के जीवन की एक ज़रूरी पहलू दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि हम मर्द इंसान हैं, जानवर नहीं। तो कैसा लगा मेरा ये आर्टिकल? अगर आपके पास भी ऐसे कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, मैं उसको आने वाले समय में ज़रूर लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे होम, कीप सेफ योर फैमिली। टिल देन, बाय बाय।